तो आदाब नमस्कार गुड इवनिंग सत श्री अकाल। आज संडे का दिन रात 11 बजे और आप देख और सुन रहे हैं क्राइम कहानियां विद शम्स। आज की कहानी की शुरुआत एक तस्वीर के साथ करते हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ऊपर एक छोटा सा बक्सा है, लाइट जल रही है, कुछ नंबर आ रहे हैं, लाल लाल बत्ती, और उसके नीचे एक और बक्सा है, ये थोड़ा बड़ा सा है, और ये जो बड़ा बक्सा है ये एक फ्रिज, और ये फ्रिज इस वक्त एक अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस के एक कमरे में रखा हुआ है। और ये जो फ्रिज है ये आज से नहीं बल्कि पिछले करीब 34 महीनों से रखा हुआ है। अब 34 महीने से एक फ्रिज में एक लाश, लाश भी क्या कहें, कंकाल क्यों है? इसको देखकर थोड़ा सा मतलब अजीब सा लगता है कि एक ऐसा मशीन, एक डब्बा, एक फ्रिज और उसके अंदर कोई इंसान पड़ा हुआ है, सोचकर ही अजीब लगता है। इसको देखकर अगर आप इस गहराई में सोचना शुरू करें तो ये तो फ्रिज की तस्वीर है। अब जरा आप इस लड़के की तस्वीर भी देख लीजिए। इसका नाम है रीटा। रीटा उत्तर प्रदेश के इटावा के जसवंत नगर इलाके की रहने वाली एक गांव की लड़की है। अब ये तस्वीर और ये फ्रिज, इन दोनों की कहानी को समझने के लिए हमें 34 महीने पहले सितंबर 2020 में जाना पड़ेगा। बात 19 सितंबर 2020 की है। रीटा अपने घर से बाहर निकली और कुछ देर के बाद उसे लौट आना था, शाम तक लौटी नहीं, घर वाले उसे ढूंढते हैं, वो मिलती नहीं। इसके बाद वो जाकर पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं, साथ में एक लड़के का नाम लिखाते हैं, उसका नाम है राम कुमार, कि शायद उनकी बेटी की गुमशुदगी के पीछे राम कुमार का हाथ है। अब पुलिस इस वक्त रिपोर्ट लिख लेती है, अपना काम कर रही होती है। करीब हफ्ता बीत जाता है। हफ्ता बीतने के बाद एक रोज जहां रीटा रहा करती थी उससे कुछ दूरी पर एक खेत के किनारे एक कंकाल मिलता है। अब वो कंकाल ऐसा था जिसको देखकर यह साफ लग रहा था कि किसी की लाश है और उस लाश को पूरी तरह से जला दी गई है, या तो किसी केमिकल के जरिए या फिर आग के जरिए। लेकिन लाश अगर कुछ दिन पुरानी भी होती और साबुत होती तो सड़ी गली होती, लेकिन वहां सिर्फ ऐसी कंकाल था, पीछे शिकारपुरी ने जो रखा हुआ बस ऐसी समझ लीजिए आप, साबुत। और उसको देखकर वहां पे कुछ निशान भी थे जिससे लग रहा था कोई केमिकल या आग के जरिए जलाया गया। अब कंकाल से तो आप शिनाख्त कर नहीं पाएंगे कि ये किसका है या किसकी है, ये भी पता करना बड़ा मुश्किल है इस देखकर, जैसे इस कंकाल को देखकर बताया नहीं जा सकता कि ये मेल है कि फीमेल है। तो वही उलझन पुलिस के सामने थी। पुलिस ने खैर खबर मिली, कंकाल को उठाया। अब इत्तफाक से उसी कंकाल के पास कुछ चप्पल मिले, वो लेडीज सैंडल था, और कपड़े कुछ थोड़े से वो मिला। अब पुलिस ने उसको जब देखा तो एक अंदाजा हुआ कि ये किसी लड़की की, मतलब लड़की का कंकाल है। थोड़ी देर में ये पूरे गांव में बात फैल गई कि भाई गांव में खेत में कंकाल मिला है, इधर रीटा गायब है, उसकी मां रिपोर्ट लिखा चुकी है, हर दिन मां बाप इधर उधर ढूंढ रहे हैं। बात उनके कानों तक भी पहुंची, वो भी बदहवास भाग कर वहां आए डरते हुए कि कहीं ऐसा कुछ ना हो कि उनकी बेटी की ही ये कंकाल निकल आए। वहां पहुंचते हैं, कंकाल देखकर तो कुछ समझ में आता नहीं है। तभी पुलिस वाले वहां मौजूद थे, उन्होंने बताया कंकाल के पास ये सामान बरामद हुआ। जैसे ही वो सामान देखते हैं मां बाप बदहवास चीखने लगते हैं, रोने लगते हैं। असल में रीटा के मां बाप पहचान चुके थे कि ये जो कपड़े और सैंडल है वो रीटा का है। अब वो बेसाख्ता रो रहे हैं, जवान बेटी की मौत, और वो भी इस तरीके से कि एक रीटा को कंकाल बना दिया गया। अब पुलिस वाले उस कंकाल को कब्जे में लेते हैं और उसके बाद इटावा के ही डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर संयुक्त चिकित्सालय हॉस्पिटल के मॉर्चरी में पहुंचा दिया जाता है। मॉर्चरी में पहुंचाने के बाद अब उसका पोस्टमार्टम होता है। अब ये सारी चीजें हो गई कि एक लड़की गायब है, उसकी मिसिंग रिपोर्ट है, लड़की के घर वाले उसके कपड़े और उसके चप्पल से उसे पहचान लेते हैं,
जो भी उसका सामान पड़ा हुआ था पास में। लेकिन पुलिस वाले तैयार नहीं है उनकी बात को मानने के लिए। यहां पे पुलिस भी अपनी जगह सही है कि भाई ये कंकाल है, सिर्फ सैंडल और कुछ चीजों से हम दे तो नहीं सकते। कई बार ऐसे केस होता है कि लोग झूठी लाश को अपनी लाश बनाकर अपने जानने वालों के लिए जाते हैं, तो क्या पता है इसके पीछे भी माँ बाप की कोई साजिश हो। यहां तक पुलिस की सोच बहुत अच्छी थी। तो पुलिस उस लाश का पोस्टमार्टम करवाने, कंकाल का करवाने के बाद उसको उसी पोस्टमार्टम हाउस के कमरे में, जहां पर इसको सहेज कर रखने की का इंतजाम था, एक फ्रिज में उस कंकाल को डाल देती है। अब फ्रिज के अंदर कंकाल, उसका पुलिस रीटा के घरवालों से कहती है हम तफ्तीश करेंगे, इसके बाद ही आपको जो बची खुची चीजें हैं, कंकाल है, हम उसको आपको अंतिम संस्कार के लिए सौंप देंगे। माँ बाप को भी लगता है कानूनी चीजें हैं, वो भी सब्र कर लेते हैं। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है, हफ्ता बीता, महीना बीता, महीने बीते, लेकिन वो कंकाल फ्रिज के अंदर है और माँ बाप बाहर लगातार पुलिस के चक्कर काट रहे हैं। पुलिस वाले कह रहे हैं भाई ऐसे कैसे दे दूं, साबित जब तक नहीं होगा कि मरने वाली रीटा है, तुम्हारी बेटी है। और माँ बाप कह रहे हैं भाई जो भी आपका तरीका है पता कर लो कि कैसे पता चले कि हमारी बेटी है या नहीं है, कुछ जांच जो भी आप बता रहे हो, जैसे डीएनए बोल रहे हो तो आप डीएनए करा लो, हमारा सैंपल ले लो। पुलिस वाले कहते हैं ठीक है लेंगे, और भी काम है। सितंबर 2020 में ये कंकाल मिला था, 19 सितंबर को, बल्कि 19 सितंबर को गायब हुई थी और 24 सितंबर 2020 को कंकाल मिला। उसका पूरा 20 बीत गया, पूरा 21 बीत गया। अब 2022 आ गया, लगभग 2 साल। रीटा बनी कंकाल फ्रिज के अंदर है, मां बाप बाहर पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ, कम से कम हमें वो कंकाल दे दो ताकि उसका अंतिम संस्कार करके हम लोगों को भी सुकून मिले और उसकी आत्मा को भी शांति मिले। लेकिन इस सुकून और शांति के बीच में पुलिस और कानून, पुलिस वालों ने कहा कि ऐसे कैसे दे दें। उन्होंने कहा भैया कितना और वक्त लोगे, तो 2 साल हो गए। तब पुलिस को लगा कि हाँ जरूरत से ज्यादा वक्त हो गया है, चलो अब डीएनए कराते हैं। 2 साल के बाद सोचिए एक फ्रिज के अंदर एक कंकाल पड़ा हुआ है और पुलिस के पास वक्त नहीं है कि उसका डीएनए कराए। और करना क्या था, कंकाल आपके पास से एक जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं उनसे उसका सैंपल लेना है, और दूसरा चूंकि माँ बाप उसके दावा कर रहे हैं कि ये उनकी बेटी का कंकाल है, तो उनमें से किसी एक का सैंपल ले लो, माँ का ले लो या बाप का ले लो, और इसको भेज दो लैब में। और लैब भी ऐसा नहीं है कि बहुत वो है, हैदराबाद में बेस्ट है। तो 2 साल बाद जब बहुत दबाव पड़ा, माँ बाप ने अपने बेटी की लाश के लिए सोची आप नेताओं और बाकी से सिफारिश करनी पड़ी, तब पुलिस वालों को थोड़ा सा लगा, थोड़ी दया आई और उनका पत्थर दिल पिघला। उन्होंने कहा चलो अब डीएनए कराते हैं। 2022 में पुलिस वालों ने रीटा की मां का सैंपल लिया, कंकाल के कुछ सैंपल लिए और दोनों को इकट्ठा कर भेज दिया, पहले लखनऊ और फिर हैदराबाद भेज दिया। अब उसके बाद वो भी नहीं कर रहे उसको फॉलो, जैसे हम फॉलो अप कर रहे हैं कि अब कब आए, रिपोर्ट आए ना आए। अब उधर बेचारे माँ बाप, उन्हें बताया गया था कि महीना भर तो लग जाता है, महीना बीत गया, वो आए हर रोज कि आ जाएगा, कल आएगा, बता देंगे। अब उधर उनकी धड़कनें भी बढ़ी हुई, उनके अंदर एक ये भी है कि वो सैंडल गलत हो जाए, वो चप्पल जो बाकी सबूत हैं वो गलत हो जाए और मेरी बेटी जिंदा हो, ये कंकाल मेरी बेटी का ना हो, ये भी दुआ कर रहे हैं। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि अगर वही है तो क्यों इसको फ्रिज में बंद किए हुए, वैसे ही उसके साथ न जाने क्या क्या हुआ और ऊपर से मेरी बच्ची जो है एक फ्रिज में बंद है। तो वो जाते और बैरंग लौट आते हैं, रिपोर्ट आती नहीं। इधर माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, दिल मानता नहीं, वो पुलिस के चक्कर काटते, फिर उस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हॉस्पिटल जाते, उस मुर्दा घर के उस कमरे में जहाँ उनकी बेटी एक फ्रिज में बंद थी। वो कमरे के बाहर जाते, फ्रिज को निहारते, रोते, खुद को दिलासा देते, लौट आते। कहना बड़ा आसान लग रहा है मुझे, लेकिन सोचिए कि जो माँ बाप न मालूम कितने चक्कर काटे होंगे उस फ्रिज को देखकर, उन पर क्या बीतती होगी। ये सिलसिला चलता रहा। आखिरकार कुछ महीने बाद पुलिस वालों ने फिर, कुछ उनमें भी अच्छे लोग होते हैं, कहा कि यार पता कर दो, तो रिपोर्ट आई। कमाल की रिपोर्ट थी। रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में यह था कि हम बता नहीं सकते, डीएनए के ये सैंपल की रिपोर्ट है,
और रिकॉर्ड पर है। हम बता नहीं सकते कि ये जो सैंपल आपने भेजा है रीटा की माँ की और ये जो कंकाल का आपने भेजा है, ये सच में उसकी बेटी है या वो उसकी माँ है कि नहीं, इसलिए कि सैंपल ठीक से कलेक्ट नहीं किया गया और सैंपल उस हिसाब से नहीं भेजा गया जिसकी जांच कर हम ऑथेंटिक तरीके से बता सके। मतलब कमाल देखिए, 2 साल बाद याद भी आया तो सैंपल इस तरीके से भेजा गया जो किसी काम का ही नहीं था, लेकिन सरकारी काम था, आने जाने में बड़ा वक्त लगा, लेकिन रिपोर्ट 0, 0, पता ही नहीं चला, इनकंक्लूसिव। अब इधर माँ बाप आए तो पता चला रिपोर्ट आ गई, धड़कते दिल के साथ थाने में पहुंचे, लेकिन उन्हें बताया गया कि नहीं, क्लियर नहीं हो रहा है कि तुम्हारी बेटी है, इसलिए हम कंकाल नहीं देंगे, वो फ्रिज में ही पड़ा रहे, फिर लौटा दिया। फिर साथ में उन्होंने आश्वासन दिया, कोई बात नहीं, हम दूसरी बार सैंपल भेजेंगे, तुम फिक्र मत करो। वो भी वक्त बीतता गया, पहली बार भेजा था जो रिपोर्ट, तो उस रिपोर्ट की जो रिपोर्ट आई थी उसकी तारीख थी 26 मार्च 2022, 26 मार्च 2022 को रिपोर्ट आई थी कि ये सैंपल ठीक से नहीं भेजा आपने, इसलिए हम बता नहीं सकते कि ये सही मानों में रीटा की वो माँ है। फिर दोबारा रिपोर्ट भेजा गया अगस्त 2022 में। अब अगस्त 2022 को फिर से सैंपल लिया गया, और ये याद रखें कि रिपोर्ट में है कि ढंग से आपने सैंपल नहीं भेजा, इसलिए रिपोर्ट पुख्ता नहीं है। अब उस ढंग से ना भेजने के बाद आपको तो एहतियात बरतना पड़ेगा, पर एहतियात ये बरती कि इस बार भी क्या ढंग से लिया। अगस्त 2022 में फिर से माँ का सैंपल लिया गया, कंकाल का सैंपल लिया गया, और उसके बाद लखनऊ आया, हैदराबाद भेज दिया गया डीएनए टेस्ट के लिए। डीएनए टेस्ट के बाद 2022 के एंड में दूसरी बार रिपोर्ट आई, सेम पहली वाली रिपोर्ट, कि हम पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते कि इस कंकाल का और जिस लेडी का आपने सैंपल भेजा उनमें आपस में कोई रिश्ता है, क्योंकि सैंपल ढंग से नहीं लिया गया इसलिए रिपोर्ट ऑथेंटिक नहीं आई। 2 डीएनए सैंपल भेजे गए और दोनों, या तो ये होता है कि मैच नहीं किया, तो बड़ा सिंपल है, मैच नहीं करता हो जाता कि वो लड़की कोई और थी, लेकिन यहां यह ही नहीं रिपोर्ट में कि मैच नहीं किया, यहां रिपोर्ट में यह है कि आपने सैंपल ही ढंग से नहीं भेजा, आपको सैंपल भेजने की तमीज ही नहीं है, अगर साफ शब्दों में कहें। अब दूसरी बार भी ये रिपोर्ट आई, माँ बाप धड़कते दिलों के साथ फिर दूसरे रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, और उन्हें फिर यह खबर मिली कि नहीं, इसका हश्र भी वही हुआ जो पहले डीएनए सैंपल की रिपोर्ट थी, इनकंक्लूसिव। उम्मीदें टूटी। अब इधर पुलिस वालों ने भी कहा यार पता नहीं सैंपल मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, हटाओ छोड़ो क्या करना, इधर थाने में पुलिस वाले भी अदला बदली तो होती रहती है। अब वक्त बीतने लगा, भूल गए, माँ बाप से कहा ठीक है करते हैं करते करते हैं, लेकिन अब तीसरी बार सैंपल ही नहीं भेज रहे। इधर उस माँ बाप पे क्या बीत रही आप अंदाजा लगा सकते हैं, अब भी उसकी बेटी उस अस्पताल के इसी फ्रिज में पड़ी हुई है, वो हर बार जाते हैं फ्रिज को निहारते हैं और लौट आते हैं, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि उस फ्रिज में बंद उस कंकाल का सच में उनसे रिश्ता है कि नहीं है। दूसरी तरफ यह भी है कि अगर है तो क्या अंतिम संस्कार कब करें, ये सारी चीजें। और दूसरा यह कि एक इंसान एक तरह से कंकाल ही हो अपना है, फ्रिज में बंद है, तो देखकर भी अजीब लगता है। वक्त बीतता गया, 2 डीएनए सैंपल फेल हो गए, पुलिस वाले अब कुछ कर नहीं रहे, उन्हें अपनी नाकामी का एहसास हो चुका था, तो अब थाने के चक्कर काट काट कर रीटा के माँ बाप थक गए। फिर उन्हें किसी ने आइडिया दिया कि कब तक तुम अपने आंसू बहाती रहोगी, कब तक जाकर फ्रिज को निहारती रहोगी, कितनी बार तुम, अब तक सैकड़ों बार तो थाने के चक्कर काट चुकी, तुम अदालत जाओ, कोर्ट से शायद तुम्हें इंसाफ मिले। उन्होंने कहा ठीक है, एक वकील किया, इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाकर वकील ने माँ बाप की तरफ से कहा कि इनकी एक बेटी है जिसको गायब हुए 3 साल लगभग हो गए हैं, अब भी वो एक कंकाल की शक्ल में एक अस्पताल के मुर्दा घर के एक फ्रिज में कैद है, और उस कंकाल को कैद से रिहाई नहीं मिल रही है, तो माए बाप रिहाई दिलवाइए, अगर इसमें कुछ खर्चा होता। पुलिस वाले कहते हैं कि हम 2 बार भेज चुके हैं, अब कितनी बार डीएनए के लिए भेजेंगे, उसमें खर्चा भी आता है,
तो हमारे पास सरकारी इतना बजट नहीं है कि हम बार बार एक ही केस में पैसे खर्च करते रहे। तो उन्होंने कहा कि अगर सरकार, अगर पुलिस, अगर कानून के पास पैसे नहीं है तो इस यकीन को हासिल करने के लिए कि वाकई उस फ्रिज में लेटी या फ्रिज में कैद वो कंकाल इनकी बेटी है, ये माँ बाप खुद अपनी जेब से पैसे देने को तैयार है। जो भी खर्चा आएगा उस डीएनए के सैंपल को भेजने में, उसकी रिपोर्ट को बनाने में, हम अपनी जेब से देंगे। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जो इसकी सुनवाई कर रहे थे सुना, जब उन्होंने ये सुना कि माँ बाप देने को तैयार है, जज साहब को यकीन नहीं हुआ। वो भी इमोशनल होकर कहे कि क्या जमाना आ गया, मतलब एक फ्रिज में एक कंकाल पड़ा हुआ है, 3 साल हो गए और माँ बाप हर रोज इस उम्मीद में उठते हैं और फिर सोते हैं कि वो कौन है, अपनी है बेटी या नहीं है। कम से कम फैसला तो हो जाए। बेटी तो एक बार मरी, उसके माँ बाप 3 साल में हर दिन मर रहे हैं। अदालत को बड़ा गुस्सा है और अदालत ने फौरन अपना हुक्म सुनाया कि इस कंकाल के सैंपल को फौरन कलेक्ट करो, माँ बाप का जो भी जिसका भी सैंपल लेना है वो लो, और इस बार हमें सैंपल ढंग से भेजकर और इसकी आप बताओ कि ये कंकाल किसका है, और फिर अदालत को भी इन्फॉर्म करो। अब जब हाईकोर्ट से फटकार पड़ी तो फिर पुलिस की क्या मजाल। फौरन अब नई टीम बुलाया गया, कहा भाई ढंग से सैंपल ले लो, 2 बार हो चुका, आपकी तो अदालत भी सर पे है। इसके बाद अब उस सैंपल को तीसरी बार, शायद देश के इतिहास में पहली बार है कि तीसरी बार डीएनए की जांच होने जा रही है। सैंपल लिए गए फिर से मां के, फिर से कंकाल के, और उसके बाद सैंपल भेजा गया फिर से हैदराबाद के लैब। हैदराबाद के लैब में सैंपल गया कुछ वक्त पहले, अब उसकी तीसरी रिपोर्ट आई। तीसरी रिपोर्ट यह थी कि 34 महीने से जो कंकाल इटावा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संयुक्त चिकित्सालय के मुर्दा घर के कमरे में एक फ्रिज में कैद है, वो कोई और नहीं बल्कि रीटा ही है। रीटा वही जो 19 सितंबर 2020 को गायब हुई थी। अब जब ये रिपोर्ट आई, शक की सारी गुंजाइश खत्म। पुलिस ने फौरन माँ बाप को बुलाया, पुलिस के होश भी उड़े। माँ बाप को जब रिपोर्ट दिखाई तो माँ बाप को समझ में नहीं आया कि वो रोएं या खुश हों, क्योंकि अब तक एक आस थी कि शायद फ्रिज में वो कंकाल पराया निकले। वो आस टूट गई और शायद थोड़े से खुशी के लम्हे भी थे कि चलो जो 34 महीने की कश्मकश थी कि वो बेटी है कि नहीं है और वो यहीं क्यों पड़ी हुई है, एक मुर्दा को उसका आखिरी हक, अंतिम संस्कार मिलना चाहिए, वो हक उससे क्यों छीना जा रहा है। 34 महीने बाद कम से कम यह हक तो उन्हें मिला। इसके बाद उस फ्रिज को खोला गया, 34 महीने के बाद एक कंकाल कैद से आजाद हुआ। पुलिस की निगरानी में उस कंकाल को समेट कर रीटा के माँ बाप के साथ मौजूदगी में उन्हीं के गांव के खेत में ले जाया गया। उस खेत में एक गड्ढा किया गया और पूरे रीति रिवाज के साथ उन हड्डियों को दफना दिया गया। 34 महीने के बाद कंकाल को तो आजादी मिल गई, लेकिन एक सवाल अब भी कैद था और वो ये कि आखिर ये रीटा ही थी जो कि डीएनए ने साफ कर दिया, तो फिर रीटा का कातिल कौन था और रीटा को मारा क्यों। अब पुलिस को अपनी कमियों का भी एहसास होने लगा कि जब 19 सितंबर को रीटा गायब हुई थी तो 20 तारीख को ही अगले दिन रीटा के माँ बाप ने पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट के साथ साथ एक नाम लिखाया था, राम कुमार। उन्होंने कहा था मेरी बेटी की गुमशुदगी के पीछे वही शख्स है, लेकिन पुलिस को इधर यही था कि रीटा कहीं गई है, आ जाएगी, एक हफ्ते बाद कंकाल मिला तो यही पता नहीं कि कंकाल किसका है। तो जब उसे कंकाल की सच्चाई नहीं पता थी पुलिस को, तो फिर रीटा के माँ बाप की इस सच्चाई को कहाँ कुरेदने का वक्त था उनके पास, टाल दिया। कभी राम कुमार को पूछा तक नहीं, बुलाया तक नहीं। अब 34 महीने बाद सच्चाई आ गई, तो अब तो यह है कि रीटा का कत्ल हुआ है, कत्ल हुआ है तो कातिल कौन। अब पुलिस को उस पुरानी 34 महीने पुरानी उस मिसिंग रिपोर्ट की याद आई, नाम लिया, फिर माँ बाप से पूछा कौन है राम कुमार, तो पता चला राम कुमार उसी गांव का एक लड़का था जिसके साथ रीटा की दोस्ती थी, दोनों प्यार करते थे लेकिन दोनों की जातियां अलग थी।
रामकुमार के घर वाले इसके लिए तैयार नहीं थे। और फिर एक रोज इसी वजह से रीटा की जान ले ली गई। अब इस जान लेने में रामकुमार अकेला था, या उसका पूरा परिवार, या उसके पूरे परिवार ने रीटा को मारा, या सिर्फ रामकुमार ने, ये अब तफ्तीश का इसलिए विषय हो गया है क्योंकि तब से उसके बाद रामकुमार के परिवार ने, जब रीटा गायब हुई, कंकाल मिला, गांव छोड़ दिया था, कहीं और चले गए। जब 34 महीने बाद पुलिस ने रामकुमार को ढूंढना शुरू किया, रामकुमार के परिवार तक भी ये बात पहुंची और आखिरकार अपने आप रामकुमार ने कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दिया। अब रामकुमार बताएगा कि 19 सितंबर 2020 को क्या हुआ था, लेकिन कहानी रामकुमार के बताने के बाद खत्म नहीं हो जाती। ये कहानी अपने साथ बहुत सारे सवाल छोड़ती है, पुलिस के लिए भी, सिस्टम के लिए भी, जुडिशरी के लिए भी, डॉक्टरों के लिए भी, और हमारी नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए भी। तो क्राइम कहानियां में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले संडे को रात 11 बजे किसी और कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।